हेलो दोस्तों, एग्जाम्स का टाइम जब चल रहा होता है, लंबी देर तक बैठकर पढ़ना जरूरी होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ने का मन भी होता है, पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो माइंड रेस्टलेस होता है, बॉडी रेस्टलेस होती है, मन भटकता है, मन का हिरण भागने को तैयार रहता है और कुछ घंटों बाद हम अपना फोकस खो बैठते हैं, अपनी कंसेंट्रेशन खो बैठते हैं। ऐसे में आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं 3 ऐसे टिप्स जो आपको मेंटली भी हेल्प करेंगी, फिजिकली भी हेल्प करेंगी, अपने माइंड को फोकस के साथ बिठा भी पाओगे और आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी। जो पहली टिप है, जो पहला पॉइंट है, वो आपके माइंड को हेल्प करेगी, जिससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। जो दूसरी टिप है वो आपको फिजिकली हेल्प करेगी, मतलब आपकी बॉडी बैठने में आपको ज्यादा साथ देगी। और जो तीसरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो मेंटली एंड फिजिकली, मतलब माइंड भी और बॉडी भी दोनों को अफेक्ट करेगी और आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक पढ़ने बैठ पाओगे, शरीर के हिसाब से भी और मन के हिसाब से भी। तो आइए अपने कंसंट्रेशन स्पैन, जो अभी T20 जैसा है ना, जल्दी शुरू होता है जल्दी खत्म हो जाता है, उसको टेस्ट मैच जैसा बना दें, इतना लंबा बनाएं कि हम ज्यादा देर तक पढ़ पाए, फोकस कर पाए, कंसंट्रेट कर पाए, उसकी वजह से अपने एग्जाम्स को बेटर कर पाए और अपने रिजल्ट को ऊपर की तरफ शूट कर पाए। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप कहीं बैठे हो, फोकस करना चाह रहे हो, लेकिन बगल में एक छोटा बच्चा है जो चॉकलेट चाहता है और वह शुरू हो गया जो बच्चों की आदत होती है, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट खानी है, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट खानी है, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट खानी, चॉकलेट 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 चॉकलेट। आप उसको टेंशन नहीं दे रहे, लेकिन वो आपकी अटेंशन ले रहा है, आपकी अटेंशन खींच रहा है, आप फोकस नहीं कर सकते। आपके कानों में अगर कोई चीज बार बार जा रही है, आपके अटेंशन स्पैन को वो ले रही है। इसी तरह से जब आपके स्टडी टेबल पे या आपके रूम में वो चीजें पड़ी हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, आप उनको अटेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन वो आपकी अटेंशन लेती हैं। अगर आपके स्टडी टेबल पे कोई ऐसी बुक्स पड़ी हैं जो इस वक्त इस टॉपिक से या उस दिन से रिलेटेड नहीं है, कोई ऐसे पेपर्स पड़े, मोबाइल फोन पड़ा है, चार्जर पड़ा है, कोई वायर पड़ी है, कोई गेम के रिलेटेड चीज पड़ी है, ये सारी चीजें, इनको आप अटेंशन देना तो नहीं चाह रहे, लेकिन क्योंकि ये आपके सामने है, ये आपकी अटेंशन लेती हैं। वो बुक्स आपको बुलाती हैं, बगल में पड़ा हुआ मोबाइल फोन आपको बुलाता है, अबे साले चेक कर, नोटिफिकेशन आने वाली है, देख हीना का मैसेज आने वाला है, मुझे चेक कर, फोन बुलाता है ना। सो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट टिप है डी क्लटर। क्लटर मतलब वो चीजें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपके आसपास प्रेजेंट है, ये चीजें जो उस बच्चे की तरह आपकी अटेंशन को खींचती रहती हैं। सो अपने टेबल को, अपने वर्क एरिया को, अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखो, साफ रखो, करके देखना, आप खुद फील करोगे कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आप ज्यादा देर तक बैठ पाओगे। बार बार रिसर्चेज ये प्रूव कर चुकी हैं कि क्लटर फ्री एनवायरमेंट आपके फोकस को इंक्रीज करता है। सो अगर अपने T20 वाले फोकस को टेस्ट मैच का फोकस बनाना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्टडी रूटीन का टेबल है, जो रूम है, वो क्लटर फ्री हो। सो लेट्स डी क्लटर। आओ अब सेकंड टिप की तरफ चलते हैं। सेकंड टिप में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं, हो सकता है आपकी बहुत पुरानी मिथ्स टूट जाएं, हो सकता है कुछ पुरानी सोचें टूटे, और ऐसी चीज आज आपको पता लगेगी जो जिंदगी भर काम आएगी। जिंदगी भर अगर लंबी ड्यूरेशन तक बैठना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो ये टिप आपको काम आएगी। कहते हैं कि खाया क्या जाए। कुछ लोग कहते हैं पढ़ने बैठने ना, उससे पहले अच्छे से पेट भर लो, अच्छे से पेट को ठूस लो, फिर बैठो। माई फ्रेंड्स, टेल मी वन थिंग, चावल चने खा के बैठ जाओगे पढ़ने तो आंखों के शटर बंद हो जाएंगे, नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कॉफी पी लो, खूब सारी कैफीन ले लो, उससे किक मिल जाती है। बट ये भी फैक्ट है कि एक बार किक मिलती है, ग्राफ ऊपर जाता है, उसके बाद ऐसा क्रैश करता है कि दोबारा कंसंट्रेशन नहीं बनती, लंबी ड्यूरेशन तक हम तब भी नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, हर फूड टाइप का, हर खाने का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी जल्दी हमारे ब्लड में प्रेजेंट शुगर को या ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाते हैं। दोस्तों, कुछ फूड टाइप्स होते हैं जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल होता है, हाई GI लेवल होता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, केक हो गया, कुकीज हो गई, पिज्जा, बर्गर, व्हाइट ब्रेड, चिप्स, ऐसी चीजों का हाई GI लेवल होता है। ये एकदम से एनर्जी को शूट करते हैं और जल्दी गिरा देते हैं। तो अगर लंबे समय तक बैठना है तो ये ठीक नहीं है। तो एकदम एनर्जी आई और एकदम चलेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम नहीं बैठ सकते, वापस क्रैश हो जाता है, वापस थकावट आ जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है, तो बेनिफिट नहीं होता। सो अगर लंबी देर तक अपनी बॉडी को टिका के बैठना है तो लंबी देर तक एनर्जी चाहिए ना। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल फूड वो फूड टाइप है जो धीरे धीरे ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर ज्यादा होता है, आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है,
ये फूड टाइप्स हैं, दलिया, ओट्स, म्यूसली, लो स्किम्ड मिल्क हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गए, ऐसे फूड टाइप ज्यादा देर तक आपको एनर्जी देते रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप बैठ पाते हो। सो ये लो जीआई लेवल वाले फूड धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ाते रहते हैं और आपको ज्यादा देर तक एनर्जी देते रहते हैं। आप नोटिस करो, दोनों में से कोई भी चीज लो, 2-3 घंटे बाद भूख लगी जाती है। सो बेटर है कि कुछ कुछ देर बाद छोटे छोटे मील्स लेते रहो, लेकिन अगर लंबी ड्यूरेशन तक बैठना है तो लो जीआई लेवल वाले फूड्स को प्रेफर करो, हाई जीआई लेवल वाले फूड्स को अवॉइड करो। किसी भी चीज में एनर्जी चाहिए चाहिए, बॉडी को एनर्जी देते रहो, बॉडी से साथ लेते रहो। एनर्जी नहीं होगी ना तो लड़की भी हाँ नहीं करती, उसको जाके प्रपोज करोगे ना लो एनर्जी में, तो जिद है इस दिल की वरना इन आंखों ने और भी हसीन चेहरे देखे, वो भी मना कर देगी। सो बॉडी को एनर्जी देते रहो, बॉडी से साथ लेते रहो। सो ये थी सेकंड टिप, लो जीआई लेवल फूड्स। और अब देवी और सजनों, भाई और बहनों, फ्रेंड्स एंड फ्रेंडियोज, अब चलते हैं थर्ड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप की तरफ, जो है, पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपको पता है येलो कलर क्या करता है? येलो कलर हमारे माइंड के लिए सबसे सूदिंग कलर होता है, जो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी से लिंक्ड है। ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जहां पे हमारी थिंकिंग एबिलिटीज लिंक्ड है, विच मीन्स ये हमारी मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाता है, हमारी मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है। इस चीज से हम कैसे फायदा ले सकते हैं? एक येलो कलर की शीट लो या चार्ट लो, उसको अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा लो और उसके ऊपर लिखो वाई। वाई क्या कारण है कि मुझे पढ़ना है? कोई तो रीजन होगा जिस वजह से मैं पढ़ रहा हूं। व्हाट आर द रीजंस जिसके वजह से पढ़ाई मेरे लिए जरूरी है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं? फ्रेंड्स, हर किसी के पास कुछ रीजंस तो जरूर होंगे, कोई मिशन, कोई विजन, कोई गोल, कोई एम्बिशन, कोई एस्पिरेशन, कोई टारगेट, कोई थॉट, कोई कारण तो होगा कि मुझे क्यों पढ़ना है। किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए मुझे पढ़ना है, या कल को अच्छा बिजनेस करना है, उसके लिए एजुकेटेड होना है, मेरे करियर के लिए मुझे इतने मार्क्स चाहिए, ये परसेंटेज चाहिए, इसलिए पढ़ना है, या कल को मेरे बच्चे मेरी इज्जत करे इसलिए पढ़ना है, या जो लड़की मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए इसलिए पढ़ना है, कल को मेरे मतलब का अलायंस पार्टनर मुझे मिल जाए इसलिए पढ़ना है। कोई रीजन तो होगा जो आपको ट्रिगर करता है पढ़ने के लिए, कोई टारगेट तो होगा जिसकी वजह से आपकी आज की पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस व्हाइट चार्ट पे वाई लिख के अपना रीजन लिखो कि मेरे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं आज जो पढ़ाई करने वाला हूं, लंबी ड्यूरेशन तक बैठने वाला हूं, उसके पीछे क्या कारण है। आपके वाइज होने चाहिए, रोज सेम वाइज आपको मोटिवेट करेंगे, बार बार आपको रिमाइंडर देंगे। फ्रेंड्स, एक तीर से दो शिकार किए हमने, जब भी उठने का मन करे सामने येलो पेपर पे लिखे हुए अपने वाइज पढ़ो। येलो कलर आपके माइंड को रिफ्रेश फील कराएगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, और उसके ऊपर लिखे हुए वाइज आपको रीजन देगा, आपको मोटिवेट करेंगे कि तेरे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ाई में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 3 चीजें डिस्कस करी जो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से आपकी हेल्प करेंगी लॉन्गर ड्यूरेशन तक पढ़ने में, और सिर्फ लॉन्गर ड्यूरेशन तक बैठने में नहीं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक कंसेंट्रेट करने में, फोकस करने में। पहली टिप में हमने कहा डी क्लटर, जो चीजें आपका ध्यान खींचती हैं, जबरदस्ती आपका ध्यान बुलाती हैं, वो आपके आसपास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपके ऑर्गेनाइज्ड साफ सुथरे डेस्क पे होनी चाहिए। सेकंड टिप पे हमने डिस्कस किया लो जीआई लेवल फूड, वो खाना हमें खाना है जो ज्यादा देर तक हमें एनर्जी दे, ना कि वो जो एकदम एनर्जी दे और उसके बाद नींद आए और थकावट हो। थर्ड टिप में हमने डिस्कस किया येलो कलर, एक हैप्पी पेपर, हैप्पी शीट हमारे सामने होनी चाहिए जिसके ऊपर हमारे वाइज होने चाहिए कि कौन से रीजन है येलो कलर पे हमारे वाइज। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो का एक ही पर्पस है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपका करियर, आपकी लाइफ ग्रो करे, और मैं इस पर्पस के लिए लगा रहूंगा। इन 3 टिप्स को यूज करके आप अपना फोकस, रिटेंशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन इसको इंप्रूव करो और अपने गोल्स को, अपने विजन को, अपने मिशन को, अपने टारगेट्स को अचीव करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो नीचे लाइक दबा देना और कमेंट्स में बता देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दबा दें, नोटिफिकेशंस वाली बेल को याद से ऑन कर लें, सो दैट ये अपडेट्स, ये वीडियोस, ये मोटिवेशन, ये ट्रेनिंग आप तक पहुंचती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे एक लिंक नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और ऐसी कई वीडियोस को देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी, एम्पावर करेंगी, आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।